नमस्कार दोस्तों आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं प्रेम रंजन आज बिरसा आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आइए हम लोग चलते हैं बिरसा मुंडा बिरसा आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों बिरसा आंदोलन जो चला आप बोर्ड पे देख रहे हैं जो अठारह से लेकर के उन्नीस ईस्वी तक चला जो स्वयं बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला इसके बारे में आप विस्तारपूर्वक देखेंगे दोस्तों एक कुल मिलाकर के बहुत कम समय में जो हमारे झारखंड के भगवान या धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं जिनका नाम है बिरसा मुंडा वो खुद स्वयं इस विद्रोह में इस आंदोलन में नेतृत्व किए हैं इसलिए एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रहता है इसलिए इसे आप अच्छा से देखेंगे दोस्तों बिरसा आंदोलन को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या महान हलचल ठीक है तो नाम से ही पता चल रहा है जैसे इसको बोला जाता है या जाना जाता है बिरसा उलगुलान पूरा अगर देखेंगे तो बिरसा उलगुलान के नाम से जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ अभी हम बताएं क्या होता है विद्रोह या महान हलचल होता है दोस्तों अभी बताएं हम चर्चा किए कि बिरसा आंदोलन जो चला वो बिरसा मुंडा स्वयं अपने नेतृत्व करते हुए अठारह से लेकर के अठारह से लेकर के 1900 के बीच में ये आंदोलन चला आंदोलन रहा ठीक है दोस्तों ये 19वीं सदी में 19वीं सदी या शताब्दी में ये प्रथम जनजातीय विद्रोह था जो व्यापक स्तर पे चला व्या, व्यापक स्तर पे था और ये व्यापक स्तर के साथ साथ संगठित भी था ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों जिस समय ये आंदोलन चल रहा था उस समय मुख्य केंद्र जो था वो खुट्टी को बनाया गया था ठीक है मुख्य केंद्र खुट्टी था आंदोलन चल रहा था तो आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि इसका मुख्य केंद्र मतलब मुख्यालय कहाँ था तो खुट्टी में बनाया गया था आगे देखते हैं इसका जो सबसे पहला उद्देश्य था लक्ष्य था वो सुधरवादी था सुधरवादी था मतलब अपने समाज को अपने समाज को लेकर के ये बिरसा मुंडा जो थे वो सुधारने का प्रयास कर रहे थे लेकिन इसके साथ साथ आगे चल कर के राजनीतिक उसके बाद सामाजिक आर्थिक रूप में बढ़ जाता है जैसे राजनीतिक में इनके द्वारा स्वतंत्र मुंडा राज की कि स्थापना किया जाना चाहिए उसके बाद सामाजिक या धार्मिक जो स्तर था वो मुख्य रूप से उस समय जो ईसाई लोग थे वो मुंडाओं को मुंडा जनजाति को जोर जबरदस्ती करके ईसाई धर्म जो रूपांतरण करवाए, वो फिर से वापस लाने का निर्णय लिया गया आर्थिक के अंतर्गत देखेंगे तो जो भूमि छिना गया जो भूमि लिया गया था उसे फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया गया ये आगे चल कर के बात आ गया लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ मुख्य कारणों को जो भिसा आंदोलन आगे चल कर के पनप गया आगे चल कर के उद्भव हो गया जो कारण था पहला खुटकटी खुटकटी व्यवस्था जो था उस पे अंग्रेजों ने रोक लगा दिया अंग्रेज़ों ने रोक लगाने के बाद इसमें जितना भी आंदोलनकारियों थे या जनजातीय लोग थे उसमें बेकार पड़ने लगा बेरोजगारी दिखने लगा इसलिए आंदोलन छिड़ गया दोस्तों आपको हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं खुटकटी होता क्या है आपको सी एन टी एस पी टी जब एक्ट पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में पूर्वक तो जानकारी मिलेगा ही आपको लेकिन खुटकटी जो इन सभी के द्वारा जंगल को साफ करके जमीन का निर्माण किया जाता था ज़मीन को बनाया जाता था अपने खेती योग्य भूमि को तैयार किया जाता था उसे खुटकटी भूमि कहते थे लेकिन डायरेक्ट अंग्रेज इसमें बोला कि नहीं आपको खुटकटी व्यवस्था को रोक लगाया जाता है इसके अंतर्गत जो परिणाम हुआ वो बेरोजगारी का असर दिखने लगा इसलिए ये आगे चल कर के एक कारण बना दूसरा कारण अदालतों में उदासीनता दिखने लगा जो भी वहाँ अदालत होता था वो सही निर्णय नहीं ले आता था अंग्रेजों के द्वारा इसलिए यहाँ एक कारण बना तीसरा कारण अठारह सौ चौरानवे ईस्वी में छोटानागपुर क्षेत्र में एक वन कानून लागू हुआ जिसके अंतर्गत लोग वन कानून लागू होने के बाद लोग बेगार पड़ने लगे वन कानून लागू होने के साथ साथ जो वन से अपना जीवन यापन करते थे उस दिन से बंद हो गया ये भी एक कारण बना चौथा नंबर में देखेंगे ईसाई मिशनरियों जो लोग थे वो भूमि सुधार के लिए झूठ आशा देने लगे झूठ मूठ का एक आशा देने के कारण ये भी बहुत महत्वपूर्ण इसका कारण बना तो मुख्य रूप से चार बिंदु जो यहाँ बताएं और चार बिंदु यहाँ बताएँ वो दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा कि ये तो सुधरवादी था अपने समाज को लेकर के अपने हित को लेकर के लेकिन धीरे धीरे जाकर के ये क्या हुआ राजनीतिक में बदल गया सामाजिक धार्मिक में बदल गया उसके साथ साथ आर्थिक रूप में बदल गया इसके साथ साथ मेन जो चार कारण यहाँ बताएं इसके कारण आगे चल के बिरसा मुंडा जो थे वो बिरसा आंदोलन चलाने का प्रयास किए और आगे चल के बहुत जोरों से संघर्ष किए और आगे चल करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए दोस्तों यहाँ देख रहे हैं मात्र इनका जन्म जो हुआ था व्यक्ति विशेष आपके सिलेबस में दिया गया है व्यक्ति विशेष को पढ़ाना है उस दिन व्यक्ति विशेष के बारे में बिरसा मुंडा का एक अपना टॉपिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ देख रहे हैं बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर अठारह सौ ईस्वी को हुआ और इनका मृत्यु जो हुआ, हुआ 9 जनवरी 1900 सौ ईस्वी को हो गया मात्र 25 साल में ये झारखंड के धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं एवं पिता के नाम से जाने जाते हैं भगवान के नाम से जाने जाते हैं इसलिए कही कहीं ना कहीं ये तो कुछ ऐसे काम करके गए जो इस आंदोलन में आपको दिख ही रहा होगा ठीक है आगे चलते हैं अठारह में इन्होंने षमुन्ना ने अपने आप को सिंगा के प्रति देवदूत घोषित किया और देवदूत घोषित करने के बाद ये अपने आप को प्रचार प्रसार किए अपने आप को अपने समर्थकों को अपने अनुयायियों को बताएं कि हम एक ऐसे चमत्कार करते हैं या चमत्कारी मेरे अंदर आया है जो किसी भी रोग को किसी भी बीमारी भी को हम तुरंत ठीक कर सकते हैं ये बात को शिवमोंगा जो इनके एक प्रमुख धर्म है प्रमुख देवता है जो इनके सहारे ये अठारह सौ ईस्वी में बोलते हैं कि हम मेरे अंदर एक ऐसे गुण है ऐसे चमत्कारी है जो किसी भी बीमारी को हम तुरंत ठीक कर सकते हैं ठीक है अपने अनुयायियों को अपने जो सभा चल रहा था वहाँ ये घोषणा करते हैं वहाँ ये बताते हैं दोस्तों इसके साथ साथ अठारह में ही ये एक धर्म का प्रतिपादन करते हैं जिसका नाम रहता है ठीक है बिरसैत का कहने मतलब है इसके अंतर्गत 12 सदस्य थे 12 सदस्य को नियुक्त किया गया था इसीलिए इसे, इसे बिरसैत रखा गया नाम दोस्तों इसके अंतर्गत सोमा मुंडा जो थे सोमा मुंडा इसका प्रमुख बनाया गया किसका विरसायत का या विरसात एक तरह से धर्म था उसका ठीक है ये बात को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों इसके साथ साथ जब सभा बनाए आंदोलन करने का निर्णय लिए आंदोलन तो चल ही रहा था पुरजोर लेकिन इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति विशेष इसमें हैं जो कुछ कुछ पद को संभाल रहे थे उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा जैसे गया मुंडा को सेनापति दूसरा दुर्का मुंडा राजनीतिक तीसरा सोमा मुंडा को धार्मिक व सामाजिक शाखा के प्रमुख बनाए गए हैं दोस्तों क्या बताएं? ये जो अपने सगी संबंधी भाई ही हैं जो गया मुंडा को सेनापति का प्रमुख शाखा बनाया गया उसके बाद दोलका मुंडा को राजनीतिक का प्रमुख शाखा बनाया गया उसके बाद सोमा मुंडा को धार्मिक व सामाजिक की प्रमुख शाखा बनाया गया ये बात को ध्यान रखना होगा दोस्तों इसके साथ साथ आगे धीरे धीरे संघर्ष बढ़ते जाता है आंदोलन बढ़ते जाता है जो आगे चल के मुख्य रूप से आप देखेंगे कि बिरसा मुंडा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और कुल मिलाकर के दो बार इनको गिरफ्तार किया जाता है जो पहला डेट है 24 आठ उन्नीस जो गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता है 30 ग्यारह उन्नीस सौ तक ठीक है जो पहला बार इन्हें गिरफ्तार किया जाता है गिरफ्तार जो किया जाता है जी आर के मेयर्स के द्वारा गिरफ्तार बिरसा मुंडा को सबसे पहला बार किया जाता है तो किस लिए किया जाता है बहाना बना करके कि अंग्रेजों के खिलाफ आप किसी को भड़का रहे हैं अपने समाज को उत्साहित कर रहे हैं उसके षडयंत्र के तहत जे आर के मेयर्स जो अंग्रेज अधिकारी था उसे पहला बार गिरफ्तार करता है गिरफ्तार करने के बाद इसे दो साल की सज़ा सुनाता है और दो साल की सजा सुनाने के बाद पचास रुपया जुर्माना भी लगाता है अगर पचास रुपया जुर्माना नहीं देने पर छः महीना और सज़ा छः माह जो था और सजा को बढ़ा देता है लेकिन दोस्तों यहाँ क्या होता है महारानी विक्टोरिया जब आती है तो हेरक जयंती का समारोह किया जाता है उसी समय इनको छोड़ दिया जाता है जो आगे चल करके फिर से दूसरा बार गिरफ्तार किया जाता है जो दो तीन 1900 को यहाँ से लेकर के छ नौ उन्नीस तक जेल में रखा जाता है ये दूसरा बार गिरफ्तार किया जाता है पहला बार जब तो यहाँ में छोड़ दिया जाता है तो आप देख रहे हैं फिर से जब बाहर निकलते हैं तो उस समय भी ये अपने आप को जो संघर्ष कर रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे वो चुप नहीं बैठे अंततः दूसरा बार भी जब आते हैं तो ये उसी राह पे, उसी रास्ता पे चलते हैं लेकिन दूसरा बार फिर दो तीन मतलब उन्नीस को गिरफ्तार किया जाता है और छः नौ उन्नीस सौ ईस्वी तक रांची दौरानंडा जो जेल है उसमें रखा जाता है ठीक है तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये टॉपिक लंबा है ये जो देख रहे हैं विरसा आंदोलन लंबा होने के कारण इसे हम दो पार्ट में दो वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आगे कल देखेंगे आगे के वीडियो में आगे के क्लास में देखेंगे जो यहाँ विषम मुंडा जब दूसरा वक्त गिरफ्तार होते हैं तो फिर इसको पहला वक्त गिरफ्तार होने के बाद छोड़ दिया जाता है फिर दूसरा वक्त गिरफ्तार होते हैं गिरफ्तार होने के बाद जेल में इन्हें रखा जाता है और आगे की घटना का घटना को प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अगले क्लास में दोस्तों आज की क्लास हम ये टॉपिक को आधा ही यहीं बताते हुए अगले क्लास में इसे पूरा करेंगे आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे धन्यवाद